प्रिय छात्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। कक्षा 10 के बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और यह प्रश्न बार बार आता है, इसलिए इसको दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक निकालने का बहुत ही साधारण ढंग से निकालने का बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीका है। तो चलिए हम सारणी में देख रहे हैं, बना है, एक में लिखा गया है संख्या, इसमें देखिए लिखा गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से वर्गांतराल लिखा गया है। और इस वर्गांतराल के साथ साथ देखिए नीचे बारंबारता लिखी गई है। बारंबारता में देखिए 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, इस तरह का लिखा गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप चाहे तो इसको साड़ी से, इस साड़ी को आप परपेंडिकुलर करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें आपको केवल यही देखना है कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। सबसे बारंबारता वाली संख्या में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख रहे हैं 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है, 8, इन सब में सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो इस तरह से आप इस संख्या को 20 लेंगे, तो 20 को अब इसको लिखेंगे, ये एफ हो गया, इसको लिख देंगे एफ, आप एफ लिख दें या आप यहाँ पर एफ जीरो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है 20 के पहले जो होगा वह बारंबारता, देख रहे हैं यहाँ पर 12 है, तो इसको आप लिखेंगे ये हो जाएगा एफ वन लिख देंगे। और 20 के बाद वाली संख्या जो होगी बारंबारता में ही, तो उसको आप लिखेंगे कि वह एफ टू है। इस तरह से आपको एफ वन, एफ टू और एफ जीरो निकल गया। और इसके बाद आपको इसमें लेना है कि इस 20 वाली बारंबारता में इसका जो वर्गांतराल है, तो वर्गांतराल में जो लोएस्ट टर्म है, जो लोअर टर्म है, जो जिसको हम कहते हैं निम्न सीमा, तो निम्न सीमा को आप लिखेंगे एल हो जाएगा। और दोनों का अंतर जो होगा वो हो जाएगा एच। इस तरह से सब हम इसमें निकाल लेंगे, निकाल करके बस इसको सूत्र में रख देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बता दिया, एक मिनट में सब हो गया, तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं 20 है, तो सबसे अधिक बारंबारता के स्थान पर आप लिख देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 20। इसके बाद आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता वाले के पहले तथा बाद, तो देख रहे हैं पहले में एफ वन है, तो एफ वन कितना है, देख रहे हैं एफ वन 12 है, तो एफ वन के स्थान पर आप 12 लिख देंगे। और देख रहे हैं एफ टू 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख। निकालना है कि इसकी लोअर और अपर सीमा क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो उच्च सीमा देख रहे हैं इसका 50 है और निम्न सीमा 40 है, तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो आपको अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग देखना है, तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग यही है, तो इसमें आपको देखना है L1, तो L1 कितना है, तो L1 इसमें 40 है। और L2 देखिए कितना है, L2 50 है। इस तरह से L1 और L2 ले लेंगे। इसके बाद अब हमको H निकालना है, तो H निकालने के लिए हम लिखेंगे कि L2 माइनस L1, जिसको हम अपर सीमा और लोअर सीमा का अंतर लिखते हैं, तो हो जाए कितना, तो H बराबर हो गया L2 माइनस L1, तो L2 देख रहे हैं 50 है, तो आप इसको लिखेंगे 50, 50 माइनस 40 और ये बराबर आ जाएगा 10। इस तरह से H का मान आ गया 10। अब इन सबको हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फार्मूला देखिए बाहुलक
भागलोग बराबर होता है कि एल वन प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बटे टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू और कुल में एच का गुणा। अब इसी फार्मूले में सब हम मान को रख देंगे तो भागलोग बराबर अब आप यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाए कितना, तो आप लिख देंगे ये हो जाएगा यल के स्थान पर आपको लिखना है 40, ये हो गया 40 और यहाँ पर प्लस जिस तरह से एफ जीरो देख रहे हैं तो एफ जीरो कितना है, एफ जीरो 20 है, 20 माइनस एफ वन देख रहे हैं 12 है तो 12 लिखेंगे। इसके बाद दो गुड़े एफ जीरो तो एफ जीरो 20 माइनस एफ वन देख रहे हैं 12 और एफ टू है 11। अब इसको आपको हल कर देना है, एच के स्थान पर 10 लिख देते हैं। इस तरह से भागलोग बराबर हो जाएगा कि इसको लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 को माइनस करेंगे ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा, नीचे देखिए 20 दूनी ये 40 हो जाएगा, 40 में से 23 को माइनस करेंगे तो 40 में 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे और गुणे में यहाँ देखिए आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो इस तरह से अब ये सरल हो जाएगा, तो सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको आप लिख देंगे तो देखिए बाहुलक बराबर हो गया, बाहुलक बराबर आ गया 40 गुड़े 40 यहाँ पर धन हो गया, 40 धन देखिए इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 अठे 80 हो जाएगा, 80 बटे 17 हो गया। अब आपको 40 धन 80 में 17 का भाग कर देंगे तो 80 में 17 का इस तरह से भाग कर लेंगे तो लिखेंगे 80 भागे 17, तो 17 पचे 85 नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, 17 चौका 68 जाएगा, देखिए 2 आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे देखिए यहाँ पर 68 एक आ गया और यहाँ पर एक 120 आ गया तो फिर आप भाग देंगे 17 सत्ते जाएगा, दशमलव लगा करके 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो इस तरह से आ गया 4.7, तो 4.7 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा अभी हो गया 40 धन और यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके स्थान पर कितना आया है 4., जब इसको हम भाग दे दिए 80 में जब भाग दे दिए 17 से तो आ गया 4.7, तो इसके बाद दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 40 और 4.7 को आपको ऐड करना है, तो 40 और 4.7 को आपको ऐड करने के लिए ध्यान देना है क्योंकि देख रहे हैं इसमें 1.5 राशि है, तो आप इसको इस तरह से लिखें, इसको लिख देंगे कि 40.00 और इसको लिखेंगे कि 40.0 लिख देंगे और इसको लिख देंगे ये हो जाएगा 4.7, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको इस तरह से आप चाहें तो इस तरह लिख लेंगे, इसको लिख दें 40.0 लिख दें और इसको लिख दें 4.7, इस तरह से लिख करके अब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, 44.7 हो गया। तो इस तरह से बाहुलक कितना आ गया, बाहुलक इसका आ गया 44.7। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।